गाड़ियों में पुश स्टार्ट होता है, इसमें टच स्टार्ट है। ये देखें, हल्का सा सेल्फ दिया एंड द कार हैज स्टार्टेड। जैसे इसमें हेडरेस्ट का भी बटन है, ये देखिए, इसको मैं दबाऊंगी तो सारे हेडरेस्ट जो है वो खुद ही डाउन हो जाएंगे। इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इसके अंदर ऑटोमेटिक वॉशर्स हैं, क्योंकि अंदर से आप ऑपरेट कर सकते हैं और वो इसकी लाइट्स को धो देते हैं। जैसे हाई डेंसिटी लाइट्स होती हैं, ये जियोन लाइट्स भी वैसी हैं। दीज आर वेरी स्पेशल लाइट्स ऑफ मर्सिडीज। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अक्सर गाड़ियों के रिव्यूज जो हैं वो जेंट्स देते हैं, लड़के देते हैं, लेकिन मुझे गाड़ियों का बहुत ज्यादा शौक है। मुझे याद है कि आपने देखी होगी, मैंने मर्सिडीज CLK 200 रखी थी, कन्वर्टेबल मर्सिडीज थी, फिर मैंने कुछ अरसे बाद वो बेच दी। ये जो गाड़ी है, दिस इज वेरी स्पेशल मर्सिडीज। देखिए, मर्सिडीज रखने की अपनी एक क्लास है, अपना एक इंटरेस्ट है। ये जो मर्सिडीज लवर्स हैं, ये उनको अंदाजा होगा। सो दिस मर्सिडीज इज 2006 मॉडल और ये C180 है और इस मॉडल को एवनगार्ड मॉडल कहते हैं। इस मर्सिडीज को हमने कैसे प्रोक्योर किया और इसकी क्या खसूसियात हैं, लेट मी शो यू। आज मैं आपको मर्सिडीज के बारे में सब चीजें डिटेल से बताऊंगी। लेट्स डिस्कस अबाउट इट्स हॉर्स पावर। इसको खोलने का भी बड़ा मजे की बात है कि इसके साथ स्टैंड की जरूरत नहीं है, ये सेल्फ स्टे कर लेती है। और ये 141 हॉर्स पावर है, 141 HP इसका इंजन। मैं आपको अंदर से दिखाऊं, सुपर चार्ज इंजन है 141 HP का। सुपर चार्ज इंजन मींस के इसकी जो पावर है वो आम गाड़ियों से ज्यादा है। ये जो सुपर चार्जर है, बेसिकली ये आपको पाइप नजर आ रहा है इसी तरह, इसको जैसे आप टर्बो गाड़ियां कहते हैं, इधर सुपर चार्जर इसलिए करेंगे कि टर्बो जो है वो एयर से पावर होती है और ये जो है ये बेल्ट से इसकी स्पीड करती है। सो दिस इज नॉट एन एंशियंट टेक्नोलॉजी बट दिस इज अ सुपर वन। और मेरा ख्याल है कि ऐसी टेक्नोलॉजी को प्रिजर्व करना बड़ा जरूरी है। ये जो पाइप है, बेसिकली दिस इज सॉर्ट ऑफ इट्स टर्बो बट दिस इज कॉल्ड सुपर पावर बिकॉज इट ऑपरेट्स विद अ बेल्ट। इसकी जो विंडोज है सारी वो पावर विंडोज है और स्टेयरिंग भी पावर स्टेयरिंग है। गियर जो है वो ऑटो ट्रिप्टोनिक गियर है, यानी कि आप इसको कम्फर्ट जोन में भी चला सकते हैं, आप इसको स्पोर्ट जोन में भी चला सकते हैं, आप इस गियर को एज अ ऑटोमेटिक भी चला सकते हैं और मैनुअल भी चला सकते हैं। ट्रिप्टोनिक गियर जो है विच इज वेरी रेयर, अब तो आता ही नहीं है ये। और इसके साथ साथ इस गाड़ी को आप एज अ कंफर्टेबल कार भी यूज कर सकते हैं, एज अ स्पोर्ट्स कार भी यूज कर सकते हैं। मर्सिडीज गिव्स लॉट्स ऑफ फीचर्स, सो लेट्स सी। इसका स्पोर्ट्स मोड भी है और कम्फर्ट मोड भी है। हम इसको यूजुअली कम्फर्ट पे रखते हैं ताकि हमारा फ्यूल सही कंजम्प्ट हो, लेकिन स्पोर्ट्स के ऊपर इट फ्लाइज लाइक एनीथिंग। और इसके जितने भी डिस्प्लेज हैं, आप ये देख लें कि यहाँ से कार जो है पूरी लॉक हो जाती है, अनलॉक हो जाती है। ये इसका ओरिजिनल ही म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है इसके अंदर और इसकी सारी चीजें जो है वो डिजिटल है। आजकल की गाड़ियों में पुश स्टार्ट होता है, इसमें टच स्टार्ट है। ये देखें, हल्का सा सेल्फ दिया एंड द कार हैज स्टार्टेड। इसकी अगर आप सीट्स देखें तो इसकी सीट्स भी पावर सीट्स है। दैट इज सो अमेजिंग। आई मीन मर्सिडीज किसी दौर की भी हो, वो मर्सिडीज ही है। और इसकी जो है आप टिल्ट भी चेंज कर सकते हैं मर्सिडीज का, बैग भी आगे पीछे कर सकते हैं। एंड यू कैन सी के नॉर्मल गाड़ियों की तरह ये रेस है, ये ब्रेक है और ये हैंड ब्रेक है। हैंड ब्रेक आजकल की भी गाड़ियों की इसी तरह से मैनुअल ही आ रही है। सर ये भी होता है कि जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं तो हमें पीछे से नजर नहीं आ रहा होता हेडरेस्ट की वजह से। इसमें हेडरेस्ट का भी एक बटन है, ये देखिए, इसको मैं दबाऊंगी तो सारे हेडरेस्ट जो है वो खुद ही डाउन हो जाएंगे। इसके मिरर्स भी जो हैं वो सारे पावर मिरर्स हैं। ये लाइट्स की एडजस्टमेंट है और इस गाड़ी के अंदर क्रूज कंट्रोल भी है, जिसको आप किसी भी स्पीड पर एडजस्ट कर दें। यूजुअली जो गाड़ियां जर्मनी से आती हैं वो 80 से ऊपर क्रूज कंट्रोल पर नहीं आती, लेकिन इसके ऊपर आप किसी भी स्पीड के ऊपर क्रूज कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम आपको इसका ट्रंक दिखाते हैं, उसका भी कंट्रोल जो है वो इसकी की में है। इसमें जो कंपनी से सामान आया था ओरिजिनल, वो सारा सामान जो है वो यहाँ पर मौजूद है। इसकी देखिए पूरा की सेट मौजूद है, ये इसकी बेल्ट एक्स्ट्रा, एवरीथिंग जिस तरह से ये आया था ओरिजिनल मर्सिडीज का, दिस इज ऑल हियर। और इसके ट्रंक में आप देख सकते हैं देयर इज लॉट ऑफ स्पेस, बड़े बड़े आप 2-3 सूटकेसेस आराम से रख सकते। अब हम आपको इसके टायर्स के बारे में बताते हैं कि मर्सिडीज में एक और एक्स्ट्रा चीज ये होती है कि इसके अगले टायर्स और पिछले टायर्स के साइज में फर्क होता है। लेट मी शो यू। इसके जो अगले टायर्स हैं वो मिचलिन के 205 नंबर के टायर्स हैं, जो कि 16 इंचेस जो है वो बड़े होते हैं। और इसके जो पिछले टायर्स हैं वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, वो थोड़े से बड़े होते हैं। इसके जो बैक वाले टायर्स हैं वो भी मिचलिन के हैं, लेकिन ये 225 है, इनकी विड्थ जो है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है, विच यू कैन सी द नंबर हियर एज वेल।
ये जो अलॉय रिम्स है ये भी ओरिजिनल है जो कि कंपनी ने लगा के दिए थे। इस मर्सिडीज की हर चीज जो है वो ओरिजिनल रखी हुई है। आई होप आपने हमारी इस गाड़ी की रिव्यू को एंजॉय किया होगा। एंड लेट मी टेल यू कि शौक का कोई मोल नहीं होता, एंड द रियल कार लवर्स एंड मर्सिडीज लवर विल अंडरस्टैंड कि हमने इस गाड़ी को कितनी मेहनत से प्रिजर्व किया। सो लेट्स हैव अ राइड इन दिस कार।